इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकते हो घर बैठे। मैंने वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप स्नैपचैट से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। पूरी सीरीज बना रखी है मैंने स्नैपचैट के रिलेटेड कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकते हो। इंस्टाग्राम का एक नया ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, एड्स इन प्रोफाइल फीड के नाम से ये ऑप्शन है, आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हो। बट इसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ज़्यादा छोटे से रूल्स रेगुलेशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम वाम करते हो, कहीं भी जॉब करते हो, उसके टर्म एंड कंडीशन तो होते हैं ना बॉस। तो इसी तरह इंस्टाग्राम के भी कुछ जो ये नया फीचर आया है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको डायरेक्ट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। आपको ध्यान रखने हैं वो रूल्स, तभी आपको पैसे कमा पाओगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाला टाइम सारा डिजिटल इंडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है। जितना आप डिजिटली काम करोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके अर्निंग सोर्स खुल जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपको सिर्फ ग्रो करना है, चीज़ें सीखनी है और आप पैसे आसानी से कमा सकते हो। ये मेरी गारंटी है, दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप चीज़ें सीखोगे, सही डायरेक्शन में जाओगे तो आप पैसे कमा सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है पैसे कमाना। अभी बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम से जो नया ऑप्शन आया उसके क्या रूल्स हैं, क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट चलते हैं इंस्टाग्राम के अंदर और लास्ट में आपको मिलता हूँ सर। सो गाइस, इंस्टाग्राम में आने के बाद आपको सिंपली प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है। आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, 237,000 लास्ट के 30 दिनों में मेरी प्रोफाइल गई है लोगों तक, मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा है, आपका भी करेगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लोगे। मैं अच्छी रियल ट्रिक बताऊंगा, जो फैक्ट है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी एड्स इन प्रोफाइल फीड, जो नया ऑप्शन है, इसके क्या रूल्स एंड टर्म एंड कंडीशन है जिसके द्वारा पैसे कमा सकते हो अभी या आने वाले टाइम में, क्योंकि फीचर मैक्सिमम सबको मिल चुका है। जिसको नहीं मिला वो भी कमेंट कर देना, मिल गया वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम स्पोर्ट में जाएंगे, ठीक है, स्पोर्ट में ये अलग सा इंटरफेस खुल जाएगा, अब ये आप पढ़ सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या सीन है इसका, अबाउट मोनेटाइजेशन फॉर एड्स इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, ठीक है। हिंदी में बताता हूँ मैं आपको, व्हाट आर एड्स इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, एड्स इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड अपेयर विद इन दी व्यू फ्रॉम प्रोफाइल व्हेन एन इंस्टाग्राम यूजर, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल में एंटर करता है, आपने उसको फॉलो नहीं कर रखा या उसने आपको फॉलो नहीं कर रखा, ठीक है, तो उसमें ऐड दिखाई देंगे सिंपली उस बंदे को, जिसका कुछ पैसा आपको मिलेगा, कुछ इंस्टाग्राम रखेगा, ठीक है। अब लिखा है हाउ डज मोनेटाइज वर्क एड्स इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, ठीक है। अब आगे मैं आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताऊंगा कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। अभी पहले ये समझ लेते हैं हाउ डज मोनेटाइज वर्क फॉर एड इन इंस्टाग्राम, मतलब वो कैसे काम करता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर। प्रॉपर लिखा हुआ है, मोनेटाइज एड्स इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड्स अलाउ यू गेट पेड फॉर एंगेजमेंट ऑन योर प्रोफाइल फॉर होम कॉन्टेंट यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग, मतलब यार जो भी है आपने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो उसको एड शो देखने को मिलेगी, आपके रील्स वगैरह देखा, पोस्ट देखेगा। इफ़ यू आर मोनेटाइज एड्स इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड यू आर विल अर्न ए शेयर ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम एड्स प्लेस्ड इन प्रोफाइल फीड, मतलब आपकी प्रोफाइल फीड के अंदर एड दिखाई जाएंगी किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड की, ठीक है, वो रेवेन्यू शेयर होगा आपके साथ। यू कैन व्यू इंस्टेंट अबाउट यूर अर्निंग और हाँ और भी आउट ऑफ अलाउड एड्स ऑन अपेयर इन योर प्रोफाइल फीड एंड इफ सॉरी एट एनी टाइम, ठीक है। अभी नोट भी लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, इफ यू डोंट ऑन बोर्ड टू इनेबल मोनेटाइजेशन एड्स विल स्टिल अपेयर इन योर प्रोफाइल फीड, ठीक है, ये नोट भी लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है भाई विच टाइप कंटेंट सपोर्ट एड्स इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, मतलब किस तरह का कंटेंट, किस तरह का वीडियोस आपकी मतलब उसके एड के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। एड्स इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड वर्क विद ऑल टाइप ऑफ इंस्टाग्राम कंटेंट, मतलब आप कुछ भी डालते हो, कुछ भी नहीं, आपका अपना कंटेंट हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कंटेंट पोस्टेड योर प्रोफाइल गाइड दैट फॉलोअर्स इंस्टाग्राम कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एडवाइस फ्रेंडली कंटेंट, मतलब कंटेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इनके मोनेटाइज पॉलिसी भी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ, ये इनकी प्रॉपर मोनेटाइज पॉलिसी है, ठीक है, ज़्यादा लंबी जोड़ी नहीं है, पढ़ सकते हो, तो हर तरह का कंटेंट आपका मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि क्या क्या ये लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है जब आपकी उस पर ऐड आएगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये लिखा हुआ है, नीचे चले जाते हैं, यू ऑल्सो हैव असेस द मोनेटाइज इंस्टेंट इन द प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है इंप्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स एड्स वेयर शो ऑन स्क्रीन योर प्रोफाइल फीड, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है इंस्टेंट अर्निंग, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न फ्रॉम एड्स इंस्टेंट बिटवीन कॉन्टेंट योर प्रोफाइल फीड यू आर एक्चुअली पे आउट
मे बी डिफरेंस बेस्ड ऑन कंटेंट ओनरशिप क्लेम्स एंड मतलब जो भी है यार, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड करे किस टाइप के ऐड आएगी। अब नोट है, नोट क्या लिखा हुआ है, द मेरिट्स अबव द इंपोर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, ये मेन चीज़ है कि क्या क्या होना चाहिए। यू मस्ट पास रिमेन कम्प्लीट विद इन इंस्टाग्राम पार्टनरशिप मोनेटाइज पॉलिसी, मतलब आपका जो कंटेंट है वो एलिजिबल होना चाहिए। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप एलिजिबल हो नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको बैक चले जाना है, बैक चले जाना है, अब थ्री डॉट पर जाना है। थ्री डॉट पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, ठीक है, आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद क्रिएटर का ऑप्शन आएगा, जैसे आप क्रिएटर के ऑप्शन में क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको सिंपली नीचे देखना मोनेटाइज स्टेटस, सॉरी है ना, मोनेटाइज स्टेटस कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे मेरे पे ये लिखा हुआ है, टिक लगा हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइज, देखो ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ, ठीक है। तो मेरे पास जो भी ऐड वगैरह आएगी मैं उसके लिए एक एलिजिबल हूँ। मैंने कोई ऐसा इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं किया जिससे मतलब मेरी अर्निंग ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे टिक लगा हुआ, आपका टिक लगा तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो सेक्शन है हमारा, मतलब आपका ये पहले ओके होना चाहिए, स्पोर्ट में दोबारा जाते हैं। और अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। अभी सिंपली यू मस्ट बी लोकेटेड इन द US, मतलब आप अभी US में लोकेटेड होने चाहिए, मतलब जो US में लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशली अभी आया है या वहाँ पे वर्क चल रहा है, टेस्टिंग हो चुकी है। इंडिया में ये फीचर लॉन्च हो चुका है, बट मैंने देखा कई प्रोफाइल पे ऐड भी आनी शो हो चुकी है अगर मैं किसी की प्रोफाइल में जाता हूँ। सो गाइस ये है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। उनकी टर्म एंड कंडीशन, हर किसी की टर्म एंड कंडीशन होती है और बहुत आसान है आज के टाइम में पैसा कमाना। आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, चीज़ें लागू करनी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा अपने आपको, लेकिन आप अगर एक बार चीज़ें सीख जाते हो तो आप गारंटेड जॉब से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। बट जॉब नहीं छोड़नी, उस पर भी फोकस करो, बट ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तंग हो चुके हो जिनकी से, तो आपको बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे तरीके हैं आज के टाइम में। अगर आपके पास इंटरनेट है, वाईफाई है, बहुत अच्छी बात है, मोबाइल है और भी अच्छी बात है। ऑब्वियसली बात, सबके पास स्मार्टफोन होगा, आप इसका सही यूज़ करो, सही डायरेक्शन में जाओ, तो वन डे बहुत अच्छे पैसे कमा पाओगे आप। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बस पूरे रीति रिवाज पूरे कर देना। सो मिलता हूँ जल्दी अगले किसी शानदार वीडियो में।